नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। खबर है पाकिस्तान से जुड़ी हुई, क्योंकि भारत ने शारजहां और श्रीनगर के बीच उड़ान की शुरुआत की। कुछ दिन यह उड़ान सामान्य तौर पर चलता रहा, लेकिन अब पाकिस्तान इसमें अड़ंगा लगाने के लिए आ गया है। हालांकि पाकिस्तान को यह अड़ंगा लगाना कितना भारी पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन उसे बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि पाकिस्तान ने इस जो हवाई सेवा थी उस पर अड़चन पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि भारत के मतलब जो है आपका शारजहां से जो जम्मू श्रीनगर और श्रीनगर से जो शारजहां की जो फ्लाइट है वो ऑपरेशनल है। हालांकि रूट दूसरा लिया जा रहा है, जिसके कारण 1.5 घंटा और जो है वो देरी हो रही है लोगों को पहुंचने में और आने में। लेकिन पाकिस्तान ने अड़चन लगाया, क्या अड़चन लगाया है और क्यों पाकिस्तान का ये जो ड्रामा है वो दिखावा है, वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, श्रीनगर से शारजहां के बीच जो फ्लाइट सेवा शुरू हुई थी उसको लेकर पाकिस्तान ने अड़चन लगाते हुए फ्लाइट के उड़ान भरने पर रोक लगा दी है अपने एयर स्पेस में। इसके पीछे का कारण है कि पाकिस्तान की बहुत फजीहत हो रही थी। वहां की जो मीडिया है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगातार इमरान सरकार को जो है वो धज्जियां उड़ा रही थी उनकी, कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद रहा है उसको लेकर, उस कश्मीर को लेकर जो है वहां से हवाई सेवाएं शुरू हो रही हैं भारत की तरफ से और उसको पाकिस्तान मंजूरी दे रहा है, जिसके बाद यह हंगामा खड़ा हुआ। तो अपनी गर्दन बचाने के लिए इमरान सरकार जो है वो दबाव में आई और उसने इस फ्लाइट को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया, जिसके बाद फ्लाइट को घुमाकर शारजहां जाना पड़ा। पाकिस्तान ने इससे पहले भी कश्मीर से उड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने से रोका था। इससे पहले दुबई के जम्मू कश्मीर में निवेश के फैसले को लेकर भी पाकिस्तान बहुत असहज नजर आ रहा था, लेकिन जब इस मामले में दुबई इन्वॉल्व है तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा बोलने की हैसियत में रहता नहीं है, तो वो खून का घूंट पी के ऐसा लग रहा है कि वो चुप रह रहा था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो ये बात है कि एक तरफ पाकिस्तान इस शारजहां श्रीनगर की हवाई सेवा को रोकने के लिए तमाम अड़चने लगा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करके अपने स्कॉटलैंड और इटली के दौरे पर गए और वहां से उन्होंने वापसी के वक्त भी इस हवाई एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। यानी कि एक तरफ पाकिस्तान जो है श्रीनगर और शारजहां के फ्लाइट को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं जब भारत के प्रधानमंत्री उसके एयर स्पेस में दाखिल होते हैं तो उसे दिक्कत नहीं है। अब इससे गर्दन बचाने के लिए पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है वो कह रहा है कि उससे हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगी गई थी, जिसे मंजूर किया गया। पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रवक्ता ने पुष्टि की थी कि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के विमान को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी। पीएम मोदी के विमान को अनुमति भले ही पाकिस्तान सरकार ने दी हो, लेकिन श्रीनगर शारजहां की फ्लाइट को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने जब से दबाव बनाना शुरू किया तब से पाकिस्तान की जो गर्दन है वो फंसने लगी और उसके बाद इसने ऐसा फैसला किया कि अब वो श्रीनगर शारजहां की जो फ्लाइट है उसके उड़ान के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा। केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह ने ही 23 अक्टूबर को ही श्रीनगर शारजहां फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद लगातार ये दावा किया जा रहा था पाकिस्तानी रिपोर्ट्स की तरफ से कि भारतीय एयरलाइन ने कई बार पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत की तरफ से पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रवेश करने की इजाजत भी नहीं ली गई थी। लेकिन इसके पीछे की जब कहानी अब जो सामने आ रही है वो ये कि पाकिस्तान ने अब अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण अब दूसरे रास्ते से ये फ्लाइट उड़ान भर रही है और जिसके कारण जो ट्रेवल टाइम है वो भी बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो देखिए, पाकिस्तान की हिपोक्रेसी चरम सीमा पर है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कुल मिलाकर यही ड्रामा चलता है। लेकिन भारत अपना मन बना चुका है, कश्मीर में जिस तरीके से वो काम कर रहा है ये साफ बताने समझाने को काफी है कि भाई देखो, तुमको जितना जो करना है करो, हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। और यही कारण है कि ये जो हवाई सेवा शुरू हुई है उसके बाद जो है हाल ही में एक कार्गो सेवा को लेकर भी जो है अनुमति ली गई है और MOU पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और दुबई के बीच में, जहां से कार्गो के जरिए सामान जो है यहां से भेजा जा सकेगा और कश्मीर के बाजार को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचाया जा सकेगा। अब पाकिस्तान चाहे जितने भी ड्रामे कर ले, भारत को रोकना उसके बस की बात नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।